सिरोही में खाद की किल्लत को लेकर अभी भी किसान परेशान है। न डीएपी मिल रहा है और ना ही यूरिया मिल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सुरेंद्र रघुवंशी ने खाद की बोरी के कपड़े पहनकर किसानों के साथ उग्र आंदोलन किया। वहीं किसानों का कहना है कि पिछले दो दिनों से समय पर खाद केंद्र पर किसान पहुंच जाते हैं, परंतु 12 बजे तक ना तो कोई कर्मचारी आते हैं ना कोई अधिकारी आते हैं और इसीलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पिछले दो माह से किसान परेशान हो रहे हैं। खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के समक्ष खाद की गुहार लगाई। सिरौन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। लाइन में लगे आपके सरकारी वेयरहाउस वहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं पहुँचा, इवन एक प्यून भी नहीं पहुँचा, ताला लगा हुआ है। खाद नहीं है तो वह बताना चाहिए कि खाद नहीं, वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए। आज जो किसान आ गए इनको एक एक टोकन बांटना चाहिए, कल आ जाएगा भैया आपको पहले दे देंगे। ये व्यवस्था तो होनी चाहिए ना सर। किसान कितना परेशान है, कितनी मुश्किल से खाद उसको अभी तक मिल पा रहा था, अब दो तीन दिन से वो भी नहीं मिल पा रहा है। ये किसान कल से वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं खाद के गोदाम पे। इनको ना डीएपी मिल रहा है ना यूरिया मिल रहा है और ये पूरी दो महीने से किसान परेशान हो रहे हैं। बोनी के लिए खेत ख़राब हो रहे हैं लेकिन समय पे इनको खाद नहीं मिल पा रहा है। आज भी जब गोदाम पे कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं पहुँचा है और 12:30 बजे तक जब वेयर हाउस पर ताले लगे रहे, तब सारे किसान इकट्ठे होकर आंदोलन करते हुए तहसील कार्यालय में आए हैं और इनकी यहाँ पर तहसील के अधिकारियों से मांग है कि इनको खाद दिलवाया जाए। तहसीलदार साहब ने अभी इन सबकी लिस्ट बनवाने के लिए कहा है और सबको टोकन बंटवाने का बोल रहे हैं। टोकन बंटवा कर अभी जैसे ही गाड़ी आएगी सबसे पहले इनको खाद बांटा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।